पाकिस्तान क्रिकेट टीम का 16 रुकनी स्क्वाड अफगानिस्तान के खिलाफ 3 T20 मैचेस खेलने के लिए ऐलान कर दिया गया। अनऑफिशियली आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए इख्तलाफात सामने आए बाबर आजम और चीफ सिलेक्टर हारून रशीद और नजम सेठी के दरमियान। देखिए नजम सेठी और हारून रशीद चाहते हैं कि सीनियर खिलाड़ियों को रेस्ट दिया जाए, जूनियर खिलाड़ियों को शामिल किया जाए, यानी बाबर, रिजवान, शदाब, शाहीन, शाफरीदी और चंद खिलाड़ी हैं, इनको रेस्ट दिया जाए, ये बाहर रहें और यंग खिलाड़ियों को शामिल कर लिया जाए, जिस पर बाबर आजम राज़ी नहीं हैं। बाबर आजम ख़ुद भी खेलना चाहते हैं, मोहम्मद रिजवान को भी, शदाब को भी और शाहीन शाफरीदी वगैरह भी को भी सबको शामिल करना चाहते हैं। सीरीज़ का आगाज़ 23 मार्च को होगा या 23 मार्च को पहुँचेगी पाकिस्तानी टीम UAE के अंदर। 26, 27, 28 मार्च को 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। देखिए स्क्वाड कुछ इस तरह है, जिसमें मोहम्मद हारिस शामिल है नंबर 1, बाबर आजम चाहते हैं कि वो खुद भी हों और साथ साथ मोहम्मद रिजवान भी शामिल हों, यानी ये 3 हो गए। चौथे नंबर पे फ़खर जमान, 5वें नंबर पे इनफैक्ट अब्दुल्ला शफीक को राज़ी हैं सब शामिल करने के लिए। मिडल ऑर्डर के अंदर इफ्तिखार अहमद से बेहतर अब कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। शद्दाब खान को बाबर आजम शामिल करना चाहते हैं, टीम मैनेजमेंट इनको रेस्ट देना चाहती है। आजम खान को शामिल किया जा रहा है, शामिल हो गए। इमाद वसीम शामिल हो गए और मोहम्मद नवाज को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं बाबर आजम, वरना सिलेक्शन कमेटी शामिल नहीं करना चाहती। उसामा मीर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शामिल करना चाहता है और शामिल कर लिया आलमोस्ट। नसीम शाह शामिल है और साथ साथ एहसानुल्लाह को शामिल किया गया है। शाहीन शाफरीदी बाबर आजम की फर्स्ट चॉइस है और इनको खिलाना चाहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, रेस्ट देना चाहता है। हारिस रऊफ को भी रेस्ट देना चाहता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और यही वर्ल्ड कप के लिए।